हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 3 की, जिसका नाम है व्याकरण उपवन। चलिए स्टूडेंट्स, पुस्तक खोलते हैं। वह डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 13, उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट्स, अपोजिट वर्ड्स। पेज नंबर 54 यानी 54 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। भाषा में कुछ शब्दों के समान अर्थ निकलते हैं तो कुछ शब्दों के उल्टे अर्थ। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के उल्टे अर्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। देखिए, जैसे छोटा, इसका उल्टा शब्द बड़ा, छोटा बड़ा। ठंडा गर्म, रात दिन। खट्टा मीठा, हंसना रोना। ऊपर नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे सभी शब्द छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, रात दिन, खट्टा मीठा, हंसना रोना, ऊपर नीचे आदि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ऐसे सभी शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दिया हुआ है इसकी विलोम शब्द की परिभाषा है, ये आपको कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी में करो। ये है आपका कक्षा कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और ये शब्द दी, कुछ विलोम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से 20 शब्द आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सच्चा झूठा, शत्रु मित्र, भीतर बाहर, स्वस्थ अस्वस्थ, सुख दुख, निडर डरपोक, रोगी निरोगी, भारी हल्का, राजा रंक, उल्टा सीधा, दयालु निर्दयी, शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य, हार जीत। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये विलोम शब्द समझ में आए होंगे। आपको भी शब्द कॉपी में करने हैं और विलोम शब्द की परिभाषा। ओके, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग योर लोफ। वी हैव अ नाइस डे। एंड आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना है। So remember that, all of you. Bye students, take care all of you and have a nice day.